नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सावन में हम कौन कौन से उपाय करें जिससे कि भोलेनाथ की कृपा हम पे बनी रहे। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार को हमें क्या करना चाहिए और सावन महीने में हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको हम 10 ऐसी उपाय बताएंगे जिससे भोलेनाथ की कृपा आप पे बरसने लगेगी। दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से भोलेनाथ की पूजा सावन में करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सावन के सोमवार में व्रत की शुरुआत हाथ में गंगा जल से संकल्प करते हुए करें। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। नंबर 2, सावन के सोमवार में शिव जी का अभिषेक पंचामृत से करें। इसमें दूध, दही, घी, जल और शहद को शामिल करें। इससे भोलेनाथ की आप पर कृपा होगी। नंबर 3, शिवलिंग की पूजा करते समय उन्हें भांग, धतूरा, शमी के पत्ते और भस्म चढ़ाएं। ध्यान रहे कि भस्म महिलाएं अर्पित न करें, शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 4, शिव पूजन के दौरान सफ़ेद आंकड़े के पुष्प चढ़ाएं, साथ ही 108 बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होंगे, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नंबर 5, सावन के सोमवार का व्रत फलाहारी रखा जाता है, इसलिए पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करें। अब शाम के समय ही बिना अन्न वाला भोजन करें। नंबर 6, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय मंत्र लिखें और इसको शिवलिंग पर चढ़ाएं। नंबर 7, घर में सुख समृद्धि के लिए शिवलिंग पर केसर चढ़ाना भी बहुत बढ़िया माना जाता है, इससे व्यक्ति की तरक्की होती है। नंबर 8, नौकरी या व्यापार में सफलता के लिए गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें, इससे परिवार में खुशहाली आएगी। नंबर 9, सावन के पहले सोमवार को किसी शिव मंदिर में अन्न और दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 10, मानसिक शांति और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए दूध और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। तो दोस्तों, यह सावन का पावन महीना जो कि भोलेनाथ का बहुत ही पवित्र महीना है और सभी भक्त इसमें भोलेनाथ के भक्ति में झूमते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सावन का महीने मनाइए और शिव जी की कैसी पूजा करनी है आपने देख लिया है, आप ये सारे नियमों को कीजिए और भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।